हेलो गाइस, मैं रुखसार सन, मैं गुलजार अहमद, मैं संजय को, आप देख रहे हैं जी ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज की वीडियो, टाइटल तो खैर लिखा नहीं है, देखते हैं। बहुत ही इसरार के बाद वो उसने बोला तो उस पर देते हैं रिएक्शन, फिर देता है, देखते हैं वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। मैं हूं रौनक। तकरीबन 500 साल के संघर्ष के बाद और सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूरी संवैधानिक सुनवाई के बाद 5 अगस्त 2020 का वो दिन आया है जब सन 1528 से लगातार चल रहे इस संघर्ष में अयोध्या फिर से भगवान राम के आगमन की साक्षी बनने जा रही है। 500 साल का समय बहुत बड़ा होता है। न जाने कितनी पीढ़ियां इस सपने के लिए, इस संघर्ष को जीते हुए इस दुनिया से जा चुकी हैं। पर राम तो हर युग हर दौर में रहे हैं, राम भक्त भी हर दौर में रहे हैं। राम को बीजेपी का बताकर खुद को सेक्युलर बताने वाले क्या ये भूल गए हैं कि राम तो महर्षि वाल्मीकि के भी थे, राम तुलसीदास के भी थे, कबीर के राम थे, श्री गुरु नानक देव जी के राम थे, महर्षि अष्टावक्र के राम थे, महाकवि कालिदास के राम थे, मीरा के राम थे, महाकवि केशवदास के राम थे, महाप्राण निराला जी के राम थे, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के राम थे। यानी राम पूरी दुनिया है और ये दुनिया ही राम की है। दुनिया भर में लोग श्री राम को भगवान और अपना आराध्य मानते हैं। दुनिया के कई देशों में रामलीलाओं का मंचन होता है। हर देश में रामायण की प्रस्तुतियां और गाथा की एक अलग और अनूठी परंपराएं हैं। पर दोस्तों, यह इतिहास का एक कड़वा सच है कि बर्बर विदेशी आक्रांताओं ने हमारे हजारों श्रद्धा, पुण्य और प्रेरणा केंद्रों को ध्वस्त करके, उन पर अटैक करके राष्ट्रीय स्वाभिमान को नष्ट करने का प्रयास किया था। क्योंकि उनको एक बात बिल्कुल क्लियर थी कि अगर किसी देश को, किसी राष्ट्र को खत्म करना है तो सबसे पहले उनकी आइडेंटिटी को, उनके कल्चरल वैल्यूज को खत्म किया जाए, उन पर आघात किया जाए। काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा हो, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या हो, या गुजरात का सोमनाथ मंदिर हो, ये सारे धार्मिक स्थल भारत की सांस्कृतिक प्रवाह धारा के आधार रहे हैं और इतिहास में बार बार इन पर हमला किया गया है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि यहूदी लोग हिटलर को हीरो माने या अमेरिका के लोग ओसामा बिन लादेन को हीरो माने? नहीं ना। तो भारत का समाज उज्बेकिस्तान से आए हमलावरों को अपना आदर्श क्यों मानेगा? उनकी बनाई या उनके नाम पर बनाई किसी चीज को क्यों पूजेगा, मानेगा? और ऐसा नहीं कि राम मंदिर का यह संघर्ष कोई पॉलिटिकल संघर्ष था या इसकी शुरुआत 90s में हुई हो। कई इतिहासकार मानते हैं कि 1528 सन में बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा राम मंदिर तोड़ने के बाद से ही 1949 तक श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए 76 यानी 76 संघर्षों में 3.5 लाख से ज्यादा लोग अपना बलिदान दे चुके हैं। इसमें बाबर के काल में 4 बार, हुमायूं के काल में 10 बार, अकबर के काल में 20 बार, औरंगजेब के काल में 30 बार, अवध के नवाब सआदत अली के काल में 5 बार और नवाब नासिरुद्दीन हैदर के काल में 3 बार संघर्ष हुआ। और भारतवासियों ने इतनी कुर्बानियां क्यों दी? क्योंकि भारत के लिए राम केवल पूजा के देव नहीं है, वे नेशनल प्राइड हैं, राष्ट्रीय गौरव, भारत भक्ति और मर्यादा के मानदंडों के अनुसार जीवन व्यवहार करने वाले राष्ट्र पुरुष हैं। दोस्तों, हिंदुओं के लिए अयोध्या का महत्व उतना ही है जितना मुसलमान भाइयों के लिए मक्का का है, ईसाई भाइयों के लिए वेटिकन का है, या यहूदी भाइयों के लिए जेरूसलम का है। आज जब भूमि पूजन की तैयारी पूरी हो चुकी है तब भी कुछ लोग इस निर्माण को रोकने में लगे हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और ये वही लोग हैं जो पहले ये कहते थे कि राम थे ही नहीं, काल्पनिक थे। फिर ये कहने लगे कि मंदिर वहां था ही नहीं। फिर ये कहने लगे कि वो वहां पैदा नहीं हुए थे। और जब ये सब क्लियर हो गया तो जिद कि बनाने नहीं देंगे। और जब लोगों ने कहा कि मंदिर वहीं बनाएंगे तो ताना मारने लगे कि भाई मंदिर तो वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। और अब जब तारीख भी तय हो चुकी है तो कहते हैं कि अभी देश के लिए ये प्रायोरिटी नहीं है। अरे कुछ तो शर्म करो जनाब, कुछ तो शर्म करो। राम मंदिर ना जिद है ना जरूरत, ये अभिमान है, सम्मान है, गुणगान है उनका, जो मनुष्य रूप में आए ही इसलिए थे कि बता सकें कि मनुष्य को होना कैसे चाहिए। और एंड में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि तरस के साथ साथ मुझे शर्म भी आती है उन लोगों पर जो जय सिया राम और जय श्री राम सिर्फ इस वजह से नहीं कहते क्योंकि उनको लगता है कि एक पार्टी विशेष इस कैंपेन को चला रही है। और जय श्री राम कहेंगे वो तो वो उनके विचारधारा से टैग कर दिए जाएंगे। तो उन लोगों से मैं यही कहूंगा कि हे सल्फेट शिरोमणि, राम तब भी थे जब वो पार्टी नहीं थी, राम तब भी थे जब आडवाणी और मोदी नहीं थे, राम तब भी थे जब तुम और हम नहीं थे, और राम तब भी रहेंगे जब ये सब नहीं होंगे। इसलिए अब भी मौका है अपने ईगो और अपनी बेवकूफी को सरयू में बहाओ और जोर से
दशरथ नंदन अयोध्या नरेश रघुकुल दीपक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय चिल्लाओ। और ये वीडियो सही लगा हो तो और भी लोगों तक पहुंचाओ, कुछ बढ़िया कमेंट करके बताओ, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो जरूर लाइक करना पेज को। अपना ख्याल रखना, जय श्री राम। ये मेरा ख्याल में बाबरी मस्जिद के रिलेटेड ही ये वीडियो थी। हाँ, बाबरी मस्जिद के वहाँ पहले राम मंदिर था। तो मैं एक चीज़ यहाँ नोट कर रहा था कि ये हम जिसको अपनी जुबान में कहते हैं खुदा अल्लाह बुजुर्ग वो ताला, वो उसे अपनी जुबान में राम कहते हैं। राम और अल्लाह हम भी यही कहते हैं कि जब कुछ ना था तो खुदा था और जब कुछ ना होगा खुदा होगा, डुबोया मुझको होने ने। तो ये एक शेर है। तो बात ये करने का मकसद कि जिस तरह हम ये कहते हैं कि जब कोई चीज़ नहीं थी तब भी अल्लाह था, जब कोई नहीं रहेगी तब भी अल्लाह रहेगा, इन्हीं इसी अल्लाह के लफ्ज़ को कन्वर्ट करके राम का है। ये सिर्फ बेवबाद है, ये तब्दीलियां की गई है, ये जो भी है, खैर ये मजहबी बात है। बात इस पर हम करना चाहते हैं कि ये जो मंदिर और मस्जिद का तनाज़ा 500 साल से यार ये चल रहा है। ये बात बड़ी काबिल गौर है कि 500 साल के बाद बहुत बड़ा ये टाइम पीरियड है कि इसके बाद ये आज इसका फैसला हुआ है। और उन जजेस को, अगर जजेस उन जजेस ने मैरिट पर फैसला किया तो उनको फिर खराज तहसीन पेश करना चाहिए। तो मैं अगर मैरिट पर मैं एक बात करना चाहूँगा कि मस्जिद तो एक तोड़ी गई है, जब से ये इधर जो भी मुगल आए हैं या कोई भी पहले आए हैं जो उन्होंने जो मंदिर है वो तोड़े हैं भाई। ऐसी बात है ना, मस्जिद तो एक ही हिंदुओं ने तोड़ी है ना, वो भी उस भी उसकी जगह पर पहले मंदिर था, वो मानते हैं, उनका ये मानना है। तो मैं ये बात करता हूँ कि मुसलमानों को क्या पड़ा था कि किसी का घर वो तोड़े, क्या अब इस वक्त जो हिंदुस्तान में आए वो मस्जिदें तोड़ने लग पड़े तो ये तो नफरत ज्यादा बैठ जाएगी। मैं कहता हूँ जो जहाँ की कोई म्यूनिटी रहती है उसकी कोई चीज भी उसको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। आप जिस दौर की बात कर रहे हैं ना, नहीं जब भी हुकूमत जो की है उन्होंने, जो मुगलों ने की है, या सर भाई बात में बताऊं, जिस दौर की आप बात कर रहे हैं कि मंदिर तोड़े गए, उस दौर में मेरे भाई जो जहां पड़ जाता था ना वो वहां से हर चीज लूट लेता था, समझ में आई, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो। और ये अंग्रेजों ने 100 साल की हुकूमत की क्या किया, यहाँ से जो चीजें मिली उन्होंने लूट कर अपने मुल्कों में ले गए। उन्होंने सिर्फ एक चीज़ में ध्यान रखा अपनी हुकूमत करने के लिए कि हम कुछ ऐसा ना करें कि इनके मजहबी अकायद को नुकसान पहुंचाएं, सिर्फ एक चीज़ ये उन्होंने छोड़ी है, बाकी उन्होंने कोई चीज़ रहने नहीं दी यहाँ पर। ये तो इस मुल्क का बहुत कीमती सरमाया है जो अभी तक भी ये मुल्क चल रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात आपने की कि यहाँ पर मंदिर था। अच्छा, मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि ये कमेटी ने सिर्फ तजाद ख़त्म किया, साबित नहीं हुआ कि यहाँ पहले मंदिर था या मस्जिद थी, सिर्फ तजाद ख़त्म किया है कि ये लोगों का जो इतने अरसे से एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा है ना, ये ख़त्म हो जाए। ये भाई ने वीडियो उठाई, बहुत अच्छी बात है। और ये तारीख है, तारीख में आप देख रहे हैं हिंदू मजहब का, उनकी ज़बान में कहना कि जन्म कब हुआ, भाई ये पुरानी तारीख है हिंदुस्तान की। कभी आप देखें तारिक जमील साहब के या उनके जो इंडिया के हैं स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नायक के बयान देखें तो इनकी अपनी किताबों में, इनकी किताबों में ये जो राम कहते हैं ना राम, इनकी किताबों में जिक्र है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अच्छा, एक ये बात साबित हुई। बाकी ये मजहब कहाँ से आया और ये मजहब कैसे बना, भाई हिंदुइज्म असल में ना ये यहाँ के लोग जंगली थे, असल में यहाँ तो पहले सारे जंगली थे ना, बात की है अब्बा ने। मैं मोटे मोटे पॉइंट आउट करता जाऊंगा, मोटे मोटे पॉइंट। अच्छा, इनकी तारीख से ना कहीं पहले तारीख आती है बुद्ध मता की, जो अब ज्यादातर जो असरात मिलते हैं ना चाइना में बुद्ध मता की, वो लोग बिल्कुल सादा थे, उन लड़ाई झगड़ों से उनका कोई लेना देना नहीं था और काफी तादाद में उन्होंने यहाँ पर भी बुद्ध मत जो है ना रहे और लोगों को भी किया। अच्छा, फिर आना शुरू हो गए मुसलमान, नहीं मुसलमान बाद में आए, क्रिश्चियन के बाद ये अलग-अलग दौर में ना यहाँ से मजाज बदलते रहे मेरे भाई। मुसलमानों को पहले क्रिश्चियन थे, 571 में नहीं है, 571 में नबी पाकलम की विलादत था ना, विलादत बाद सादत 571 ईस्वी, मतलब कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी पाकलम से कम 650 साल पहले के समझ में आई बात है।
अच्छा इनके मजाह बदलते रहे, इनके अकायद बदलते रहे, सब कुछ होता रहा, ये मिक्सिंग रही है। मिक्सिंग के बाद जितने भी धर्म थे ना, जब ये हिंदुइज्म बड़ा है ना, हिंदुइज्म बहुत पुराना मजहब है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा ये जो प्योरिटी जो बदी है ना, असल में ये बुद्ध मता हिंदुइज्म ये सब कुछ मिल मिलाकर बुतों की पूजा को कहते हैं। असल में जो इनके अच्छे लोग थे जिन्होंने अच्छे काम किए, इन्होंने उनको पूजना शुरू कर दिया, भगवान के नाम देने शुरू कर दिए। समझ में आई, असल में ये तारीख है। अब इन्हें मुसलमानों से नफरत क्यों है? नफरत ये वही उन्होंने कहा, मुसलमानों को हिंदुओं के साथ क्यों नफरत? मैं आपको बेसिक बताता हूँ, उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका उसामा बिन लादेन को कहे कि ये इसने अच्छा किया था, हाँ, ये पॉइंट नोट कर, ये ठीक है, ठीक है, क्योंकि मुसलमान बाद में आए, बाद में आए इस खित्ते में। अच्छा अब ये आप उन्हें मंदिर तोड़ते हैं, बेल्ट बात सुनिए, मुसलमान थे उन्होंने लूटा, हिंदू आए हिंदुओं के मंदिर तोड़े, तो आपको वो अपना डालियो नहीं समझ, आपको वो अपना दोस्त नहीं समझ, ये भी बात भाई, और आपको साफ क्लियर हो जाएगा, जिन लोगों ने लूटपाट की वो लोग यहाँ से या तो गए या फिर उन्हें ये देश छोड़ना पड़ा, कुछ नस्लें बची उनकी। जो लोग यहाँ पर थे और मुसलमान हो गए भाई, वही यहाँ पर हैं, ये क्लियर बात है, चाहे वो हिंदुस्तान में चाहे वो पाकिस्तान में, वही लोग यहाँ पर आबाद है। वो इसलिए हमें कन्वर्टेड मुसलमान कहते हैं, क्योंकि असल जो इस्लाम का जो चश्मा फूटा था वो तो अरब से फूटा था, तो वही जिस तरह भाई तशबीह दी कि अगर उसामा बिन लादेन को अमेरिका के लोग अच्छे समझते होंगे तो फिर कोई भी नहीं समझता होगा, इसी तरह हिटलर को कोई यहूदी भी अच्छा नहीं समझता होगा, इसी तरह ये इधर पहले हमसे पहले मुसलमानों से पहले, क्योंकि हिंदुइज्म जो है वो बहुत पुराना मजहब है, पहले इधर हिंदुइज्म ज़्यादा था, उसके बाद में आए मुसलमान, मुसलमानों ने इधर आकर नकल मकानी की है या बाद में अपनी तलीमात दी है। बात यह है कि अगर पहले इधर मंदिर था, अगर ये मैरिट पर फैसला था, मैंने पहले बाकी 500 साल पुराना एक तनाज़ा उन्होंने ख़त्म किया है, और ये बहुत बड़ा फैसला था, बहुत बड़ा, और उसके मस्जिद के मुकाबले में उन्होंने कितने 5 एकड़ में अयोध्या में एक और बड़ी मस्जिद बनाई, जो कि काबिल तारीफ की बात है कि आप उनकी तारीफ कर सकते, भी अच्छा किया काम, अच्छा फैसला था। तो अगर मेरिट पर हुआ तो मैं एक बात उनको सराहूंगा, उनकी बात को, कि उन्होंने तजाद को खत्म किया। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, मिलता नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।